एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो जी, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मीशो बैग्स हॉल। यस, आप लोगों को मीशो बैग्स हॉल देखना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी मीशो बैग्स हॉल बनाने में बहुत मजा आता है। एक्चुअली ना बहुत अनएक्सपेक्टेड फाइंड्स मिल जाते हैं मीशो पे, मतलब जब हम सोच भी नहीं सकते ना, ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो देख के भी मजा आता है, परचेज करके भी मजा आता है। एंड एज यूजुअल मीशो है तो प्राइजेस तो कम होने ही है। लाइक इधर मीशो ने मुझे भी पैसे नहीं दिए ये सब बोलने के लिए, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं खुद से ही बता रही हूँ आपको। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही क्यूट क्यूट अमेजिंग अमेजिंग बैग्स शेयर करने वाली हूँ। टोट बैग्स हैं, ऑफिस बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं और कुछ क्लचेस भी हैं। सो इफ यू वांट टू नो व्हाट ऑल आई गॉट देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ओके जी, सो फर्स्ट बैग मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना प्यारा आएगा। एंड दिस इज समथिंग न्यू, आई हैवंट सीन अ बैग लाइक दिस येट। सो ये कुछ इस तरीके से बैग है। एंड आप देखो यार, इसमें कितनी ब्यूटीफुल लेस की डिटेलिंग करी हुई है, लाइक आप देख सकते हो कितनी प्यारी डिटेलिंग है। इसके साथ आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, बहुत ही प्यारे स्ट्रैप्स हैं। एंड जस्ट लुक एट द बैग, इट इज लुकिंग सो डैम गॉर्जियस। लाइक जो इस पे लेस का वर्क है ना, ऐसा मैंने पहली बार किसी बैग में देखा, मैंने आज से पहले ऐसा बैग तो कहीं नहीं देखा था। इसके साथ आपको टिच ओपनिंग मिलती है, कुछ इस तरीके से ओपन होता है एंड इधर पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है। सो इसका जो अंदर का मटेरियल है ना, दैट्स ऑल्सो रियली नाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। एंड कुछ इस तरीके से लगता है ये बैग, सो ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है कैरी करने के बाद। नीचे से इसमें कुछ इस तरीके से एक यू नो स्टिफनेस दी हुई है, तो मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी। और जो इसका ये कॉन्सेप्ट है लेस वाला, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। इसकी प्राइस कुछ 370 रुपीज है, उस हिसाब से टोटली जस्टिफाइड प्राइस है, क्योंकि ऐसे बैग्स तो यार डिजाइनर बैग्स कहलाए जाते हैं एंड ज़ारा H&M वगैरह पे मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। सो उस हिसाब से बहुत ही सही है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है और प्राइस भी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल। नेक्स्ट बैग जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि इतना ज्यादा सस्ता है और क्वालिटी इतनी अच्छी है। सो ये है ट्रेंडी जटकट बैग एंड ये कुछ इस तरीके से आता है। एंड ये जो पूरा बैग है ना, ये पूरा जूट का बैग है। लाइक जस्ट लुक एट द क्वालिटी, द क्वालिटी इज रियली नाइस। लाइक आप फील करते से ही समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, कितना वेल बिल्ट बैग है। इसे स्ट्रैप्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। स्पेशली जो इसकी डिजाइन है ना, ये मुझे काफी ज्यादा ऐसी अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत ज्यादा क्लासी भी लग रही है। फिर उसके बाद आपको इसमें मिल जाती है जिप ओपनिंग, इस तरीके से ओपन होता है। एंड इसके अंदर की जो लाइनिंग है ना, ये पूरी वाटर रेजिस्टेंट लाइनिंग है। साथ ही साथ आपको इधर पे कंपार्टमेंट भी मिल जाता है। सो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस बैग है, ऑफिस कॉलेज वेयर के लिए काफी अच्छा है। साइड्स में भी आप कुछ इस तरीके से एक्सपांड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सही वाली इसकी क्वालिटी है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ 291 रुपीज का है, मतलब सिर्फ आपको 300 रुपए में लाइक 600-700 वाला आपको बैग मिल रहा है, तो बहुत ही सही है। मतलब कुछ और लो ना लो इस हॉल से, ये तो ले ही लेना, मतलब ट्रस्ट मी यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस बैग, बिकॉज एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है। आप बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो इस बैग को लेके, आप रिव्यूज भी जाकर चेक कर सकते हो, बहुत प्यारे रिव्यूज। एंड आई एम सुपर 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 सेटिस्फाइड विद दिस बैग, क्योंकि सिर्फ 300 रुपए में इतना अच्छा बैग मिलना मुश्किल है। इसको आप ऑफिस कॉलेज वेयर के लिए यूज कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो बैग मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैं पहले भी मंगा चुकी हूँ, इस बार मैंने एक और बार मंगाया, और ये है एम्ब्रॉयडरी हैंडबैग वुमेन। एंड ये देखो आप कितनी अच्छी पैकेजिंग में आया है। सो ये कुछ इस तरीके का ज्योमेट्रिक बैग है एंड इसका जो शेप है भाई, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे इसमें जो ये वर्क करा हुआ है ना, ये भी बहुत ही प्यारा वर्क करा हुआ है। बाय द वे गाइस, अगर मैं आपको थोड़ी सी भी थकी हुई लग रही हूँ, सो जस्ट इग्नोर दैट, क्योंकि इससे पहले मैं ये पूरी वीडियो शूट कर चुकी हूँ, आराम से 30 मिनट्स की वीडियो मैंने शूट करी है। बट जब मैंने माइक चेक करा, लाइक जब मैंने वीडियो चेक करी, तो उसमें माइक ही ऑन नहीं था, तो अभी मैं माइक उतार के शूट कर रही हूँ, क्योंकि माइक में मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो अगर आपको थोड़ी सी भी उन्होंने वॉइस की थोड़ी बहुत इशू आ रही हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दे। दूसरी बार शूट कर रही हूँ तो मेरे आपको एफर्ट्स अगर दिख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड कमिंग बैक टू द बैग, सो बैग बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा इसका पैटर्न है। नीचे से आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड लगा हुआ है, काफ़ी स्टिफ मटीरियल में आता है ये। एंड ओपन कुछ इस तरीके से होता है, टच बटन है एंड इतनी सारी इसमें स्पेस है। इसमें एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, देख के लग नहीं रहा कि इतना ज़्यादा स्पेशियस ये बैग हो सकता है, बट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और कितना ज़्यादा अस्थेटिक और कितना सुंदर लग रहा है वो तो आप देख ही सकते हो। शादी पार्टीज के एकदम ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैग है। आपने कोई भी सिंपल सा सूट डाला हुआ है सॉलिड कलर में, या सिंपल सी साड़ी डाली हुई है, इसको कैरी कर लो, एम्प अप कर देगा पूरे लुक। नेक्स्ट जो बैग है, ओ माय गॉड, इसका जो प्रिंट है इतना प्यारा है, सो जस्ट लुक एट द बैग एंड कितना ज़्यादा इसमें क्वर्की सा प्रिंट दिया हुआ है। मुझे एक्चुअली जो सबसे ज्यादा चीज अट्रैक्ट करी थी ना, वो ये प्रिंट ही अट्रैक्ट करी थी। और ये आपको सिर्फ फ्रंट में नहीं, आपको ये प्रिंट बैक में भी मिल जाता है, रियली नाइस। ऑल्दो इस पे जो ऊपर का जो मटेरियल है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा डस्ट कैच कर सकता है, क्योंकि या और इसमें जाके डस्ट सेटल होगी फॉर श्योर, ऐसा मुझे लगता है। देन आपको इसमें स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, स्ट्रैप्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड आपको इसमें जिप ओपनिंग ही मिलती है, सो इसमें भी काफी सारी स्पेस है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, काफी ज्यादा स्पेशियस बैग है। इधर पे आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट भी मिल रहा है
एंड ये कुछ इस तरीके से लगता है, देख सकते हो आप। सो जब इसमें आपका पूरा यू नो सामान वामान आ जाएगा, ये काफी ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस बैग है, लाइक यू कैन लिटरली कैरी योर वर्ल्ड इन इट। सब कुछ इसमें फिट आ जाएगा, इसमें आपका लैपटॉप भी आ सकता है, आपका लंच बॉक्स भी आ जाएगा, आपकी वाटर बॉटल भी आ जाएगी, सब कुछ इसमें आराम से फिट इन हो जाएगा। सो कॉलेज एंड ऑफिस के लिए एकदम ही परफेक्ट बैग है। और जो इसका प्रिंट है यार, चुम्मेश्वरी प्रिंट है, मतलब इतना प्यारा लगा मुझे इसका जो प्रिंट है, काफी ज्यादा क्वर्की भी लगा। सो यस, यू कैन कैरी दिस वन एवरीवेयर। और इसकी प्राइस है 591 रुपीज, स्लाइटली एक्सपेंसिव लगी, मतलब ये एकदम परफेक्ट हो जाता अगर इसका सामने का मटेरियल जो है ये थोड़ा डिफरेंट होता, क्योंकि थोड़ी सी डस्ट कैच करेगा फॉर श्योर। ओके जी, तो नेक्स्ट मैंने ना एक स्लिंग बैग भी ले लिया एंड दिस लुक्स सो डैम क्लासी। ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन, व्हाइट नहीं एक्चुअली क्रीम है, तो ब्लैक और क्रीम के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसके कुछ इस तरीके से हैंड बैग भी मिल जाता है। काफी ज्यादा क्लासी लुकिंग बैग है, लाइक आपके फॉर्मल आउटफिट्स वगैरह के साथ कैरी करने के लिए एकदम परफेक्ट है। दिखने में छोटा सा भले ही लग रहा होगा, बट बहुत ज्यादा स्पेशियस है। टिच ओपनिंग आपको मिल जाती है एंड इसके अंदर आपको दो कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। इसके साथ आपको स्लिंग भी अटैच मिल रहा है, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको एक स्मार्टर लुक चाहिए तो आप इसको स्लिंग के बगैर ही कैरी करो, लाइक एज अ हैंडबैग ही कैरी करो। एज अ हैंडबैग बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है और काफी सारी चीजें आपकी इसमें फिट इन हो जाएंगी, बहुत कुछ आपका इसमें फिट इन हो सकता है। एंड इट इज जस्ट फॉर 291 रुपीज। 291 रुपीज के हिसाब से मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा ये बैग। आपके फॉर्मल वेस्टर्न सारे आउटफिट्स के साथ ये बहुत प्यारा लगने वाला है, मोस्टली फॉर्मल्स के साथ ज्यादा बेटर। ओके जी, तो नेक्स्ट बैग मैंने ये कुछ ऐसे यू नो बॉटल ग्रीन कलर में लिया है। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, तो कलर्स आप चेक कर लेना। अगेन दिस इज ऑल्सो अ टोट बैग एंड अ वेरी स्पेशियस वन, सो इसमें भी काफी स्पेस है। इसके जो स्ट्रैप्स है ना, ये थोड़े से यू नो थिन है, थिक नहीं है उतने ज्यादा। इसमें आपको सिर्फ एक टिच बटन मिलता है, सो टिच ओपनिंग के साथ ही ओपन होता है एंड अंदर से काफी 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 ज्यादा स्पेशियस है। सो इसको भी आप ऑफिस कॉलेज वगैरह के लिए कैरी कर सकते हो। इसका जो मटेरियल है दैट इज पॉलीप्रोपिलीन। ऑफ कोर्स जब इसमें और भी चीजें फिट इन हो जाएंगी तो इसका और बेटर स्ट्रक्चर आएगा। सो ओवरऑल काफी अच्छा है, 291 रुपीज का आई थिंक, और उस हिसाब से मुझे सही लगा, जस्टिफाइड। ओके जी, नेक्स्ट बैग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सो ये ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है एंड जो इसमें मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था वो थे इसके स्ट्रैप्स। तो इसके स्ट्रैप्स देखो यार, कितने ज्यादा कलरफुल स्ट्रैप्स हैं और थोड़े से यू नो थिक भी हैं, मतलब थोड़े ब्रॉड स्ट्रैप्स हैं, तो मुझे काफी अच्छे लगे। साइड्स में आपको दो पॉकेट्स मिल जाती हैं इसकी, और इसमें भी ये कुछ ये डिटेलिंग दी हुई है कलरफुल वाली। सो एक यू नो सटल लुक के साथ साथ एक थोड़ा सा फंकी लुक भी दे रहा है, बट वो फंकीनेस भी काफी ज्यादा सटल है, सो इसलिए वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड देन इसमें आपको जिप ओपनिंग ही मिलती है, जिप ओपनिंग के साथ साथ आपको इसमें काफी सारी स्पेस मिल रही है, और इधर एक पॉकेट भी है, स्मॉल पॉकेट लाइक जो ऑलमोस्ट हर उसमें होता ही है। इसका भी मटेरियल वगैरह काफी अच्छा है, इसको भी आप ऑफिस कॉलेज के लिए कैरी कर सकते हो। काफी सारी चीजें आपकी इसमें फिट इन हो जाएंगी। बेसिकली टोट बैग्स इसलिए होते हैं, इसमें आपका लिटरली सारा सामान फिट इन हो जाता है, और ये 399 रुपीज का है, उस हिसाब से मुझे इसका जस्टिफाइड लगा प्राइस। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप जो मैंने आपको फर्स्ट बैग दिखाया ना, दैट इज दी बेस्ट आउट ऑफ ऑल, मतलब वो फेवरेट है मेरा, उसको तो परचेज करी। तो जी, जो नेक्स्ट बैग है ना मेरे पास, ये एक्सपेंडेबल बैग है और इसमें आपके लिटरली काफी सारा सामान फिट इन हो जाएगा। सो मैंने इससे पहले भी इसका एक शेयर करा हुआ है लेवेंडर कलर में, और उसको मैंने यूज भी करा है। सो वैसे ही शॉर्ट ट्रिप के लिए गई थी एक दो दिन, मैं भले ही जाती 2 दिन की ट्रिप पे हूँ, पर मैं सामान पैक 4 दिन का कर। सो वो बैग सबको इतना ज्यादा पसंद आया था बिकॉज इट इज वेरी स्पेशियस। इसका जो शेप है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, बट है सेम ही टाइप का ये बैग भी। और इसमें इतने सारे गाइस आपको कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। फर्स्टली तो देखो ये वाला कंपार्टमेंट है, ये वाला उसमें भी था, एंड इसमें मैंने अपने सारे टॉयलेट्रीज वगैरह कैरी करे थे। सो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, फिर इसके अंदर भी आपको एक जिप मिल रही है इधर, मतलब दिस बैग इज फुल ऑफ स्पेस, देख सकते हो। तो मतलब काफी ज्यादा स्पेशियस बैग है ये, मैं आपको दिखा दूँ। और ये ऊपर से कुछ इस तरीके से ओपन होता है एंड इट हैज हेल लॉट ऑफ स्पेस, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट दिस इज वाटर प्रूफ बैग, सो वो चीज काफी ज्यादा अच्छी। सो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशियस बैग है, पीछे भी आपको एक जिप मिल रही है, एंड पीछे का ये जो बैग है ना, ये आप अपनी ट्रॉली में भी फिक्स कर सकते हो। सो काफी अच्छा है, और नीचे से तो ये एक्सपैंड भी हो जाता है। हाँ जी, तो नीचे से आप इसको कुछ इस तरीके से ओपन करोगे ना, तो ये और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है, कुछ इस तरीके से इसका साइज भी बढ़ जाता है। सो बहुत ही प्यारा बैग है, बहुत सही है ट्रैवल्स के लिए, तो मैं आपको कहूंगी ले लो, स्पेशली अगर आप ऐसे यू नो गेटवे ट्रिप पे जा रहे हो या एक दो दिन की ट्रिप पे जा रहे हो, देन दिस इज द वन फॉर यू, जस्ट गो फॉर इट। प्राइस भी इसका काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। तो नेक्स्ट ना मैंने क्लच भी ले लिया था। सो ये होलोग्राफिक क्लच है, ऑल्दो मुझे इसमें कुछ ऐसा होलोग्राफिक दिख तो रहा नहीं है। इसमें आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं एंड ये काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ऐसे टोट बैग्स कैरी करते हैं ना, तो इसमें हमारा सामान सारा क्लटर्ड रहता है, जैसे कि हमारे कैश हो गए, कार्ड्स हो गए, और मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है बिकॉज आई एम अ वेरी मेसी पर्सन। तो इसलिए मैंने ये मंगाया सो दैट इसको मैं अपने टोट बैग में थ्रो कर दूं एंड इसमें मैं अपना सारा कैश और कार्ड्स वाला सिस्टम रख सकती हूँ। देख सकते हो आप काफी सारे इसमें
आपको कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, सो इसमें मैं अपने कॉइन्स, कैश और सारे कार्ड्स, मेरे एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स जो भी हैं, क्रेडिट कार्ड्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब कुछ मैं इसमें कैरी कर सकती हूँ एंड आई कैन थ्रो इट इन माई बैग और ये उसमें अच्छे से सेग्रीगेटेड रहेगा। सो अगर आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो दैन गो फॉर दिस वन, दिस इज दी बेस्ट और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी आप देख सकते हो, काफ़ी छोटा सा इसका साइज़ है और प्राइस भी काफी जस्टिफाइड है, 192 रुपीस का है, 192 रुपीस के हिसाब से बहुत सही प्राइस है। नेक्स्ट मैंने क्यूट 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 सा बैग लिया है, सो इट इज दिस जेंडर एंड जस्ट लुक एट इट, इट इज वेरी 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 क्यूट। सो एक बो बैग है एंड इसमें जो ये बो बना हुआ है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसमें आपको और भी काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे, सो आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड जो इसका मटेरियल है ये देखो यार कितना प्यारा मटेरियल है, मतलब एक सटल सी इसमें शाइन है, मतलब काफी बार्बिश काइंड ऑफ लुक है। आप इसको बच्चों को भी गिफ्ट कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके से आप जब इसे होल्ड करोगे ना बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है। इसके अंदर आपको एक सिंगल कंपार्टमेंट मिलती है एंड ये काफी कुछ मतलब लाइक छोटी मोटी चीजें आपकी आ जाएंगी, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं आएगा बट हाँ काफी कुछ आपका फोन आ जाएगा, तो जो मैंने आपको अभी वॉलेट दिखाया वो उसमें आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लिपस्टिक्स आ जाएंगी, कॉम्पैक्ट आ जाएगा, तो यही चीज़ें हमें यूजुअली चाहिए होती हैं। सो काफ़ी अच्छा क्यूट सा बैग है, आई थिंक कुछ अंडर 200 है ये बैग, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, बहुत 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 ही ज़्यादा क्यूट है एंड अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपकी डॉटर है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली ले। नेक्स्ट मैंने कि क्यूट सा रिस्ट बैग लिया है एंड इसमें भी आप देखो यार कितने प्यारे प्यारे इसमें बोज वगैरह बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा है। इसमें भी आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे, इसमें भी एक सिंगल आपको स्ट्रैप लाइक चेन मिल जाती है, इसको कुछ इस तरीके से आप रेस्ट में कैरी कर सकते हो या फिर एज अ हैंडबैग भी कैरी कर सकते हो। ये भी मुझे काफी प्यारा लगा, 192 रुपीस के हिसाब से सही है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कॉम्बो ऑफ टू बैग मंगाया मैंने, सो ये एक टोट बैग है कुछ इस तरीके से, काफी क्यूट सा है लाइक इसमें पांडा बना हुआ है, वही चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करी। इसके अंदर आपको जिप ओपनिंग मिल जाती है, तो यूजुअली इन बैग में ना टिच ओपनिंग रहती है बट इसमें जिप ओपनिंग है जो कि काफी अच्छी है। क्लॉथ का ही है ये बैग, सो इसको आप ग्रोसरीज वगैरह कैरी करने के लिए ले जा सकते हो, लाइक छोटी मोटी चीजें होती है ना हमें नियर बाय ग्रोसरी स्टोर से जाके लेनी होती है, लाइक मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, उसके लिए आप इसको कैरी कर सकते हो, बहुत प्यारा है। इसके साथ साथ आपको ये छोटा सा मेकअप पाउच काइंड ऑफ भी मिल जाता है, इसमें पांडा बना हुआ है एंड यस इट ओपन्स अप लाइक दिस, सो ये भी काफी क्यूट है। 275 रुपीज में मुझे ये कॉम्बो मिला एंड यस गाइस विद दैट वी आर एंडिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी बोला क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो शूट करी थी वो बड़े दिल से करी थी, बड़े प्यार से करी थी, बट देन मेरा माई माइक फक्ड अप, सो क्या ही कर सकते हैं, वो मतलब मुझे ये वीडियो रीशूट करनी पड़ी तो उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग पाए, बट स्टिल अगर आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी दिख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।